ओके, लेट मी नो मेरी स्क्रीन जब आप सबको विजिबल हो तो। सबको विजिबल है? जी विजिबल है मैम। यस मैम। ओके ठीक है। तो आज हमने जो ग्रामर के लिए देखने हैं उन आर्टिकल्स को, वो थ्री टाइप ऑफ आर्टिकल्स हैं, ए एन एंड डी। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये तीनों किस किस चीज के लिए यूज होते हैं। लाइक हम सेंटेंस को देखते हुए इनको कहाँ कहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो ग्रामर की ग्रामर में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि ओके हम आइडेंटिफाई कर सकें कहाँ पे हम ए का यूज कर रहे हैं, कहाँ पे हम एन यूज करेंगे और कहाँ पे हम दी यूज करेंगे। शी इज अ डॉक्टर, आई नीड एन अम्ब्रेला, हैव यू हेयर्ड द न्यूज, आई डोंट लाइक स्पाइडर्स। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में ए यूज हुआ है, शी इज अ डॉक्टर। ठीक है, क्योंकि वो एक है, सिंगुलर है, तो हमें हाँ, बट हम नहीं जानते वो किस चीज की डॉक्टर है, स्पेशलाइज्ड किस में है, वी डोंट नो। जब हमें ना पता हो, इंफॉर्मेशन ना हो हमें इसकी, जो पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है या कोई भी नाउन जिसके बारे में बात की जा रही है, वी डोंट नो अबाउट इट, तो हम ए या एन का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट जब हमें ना पता हो। ठीक है, जब रीडर को नाउन का ना पता हो, और अगर रीडर को नाउन का पता हो तब हम दी यूज करते हैं, और उसकी भी आगे फर्दर कंडीशंस है कि कैसे क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना। और समटाइम ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ पे हम इन तीनों में से कुछ यूज नहीं करते। अब आई डोंट लाइक स्पाइडर्स, यहाँ पे ना ए यूज हुआ है, ना एन यूज हुआ है, और ना ही दी यूज हुआ। ठीक है, अच्छा, तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो हमें फर्दर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जॉब्स, अब यहाँ पे जॉब्स हैं, वी व्हेन वी सी द पीपल्स जॉब, उनका क्या प्रोफेशन है, वो क्या करते हैं, ठीक है, उनका क्या काम है, तब हम यूजली यूज कर रहे होते हैं ए और एन। अब ए किसके साथ यूज हो रहा है, एन किसके साथ यूज हो रहा है, आप लोगों ने वोवल वर्ड्स देखे होंगे, सुने होंगे कि वोवल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ हम एन का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ, ए ई आई ओ, सॉरी, अच्छा, ये जो मेरे पास अल्फाबेट्स जो मैंने यहाँ मेंशन किए, इनको हम कहते हैं ये वोवल्स। ठीक है, इनके साथ हम एन यूज करते हैं, या फिर ऐसे ऐसा वर्ड हो जो इन वॉवल्स वॉवल्स का साउंड प्रोड्यूस करे, जो जिसको हम पढ़ें तो इन वॉवल्स का को प्रोनाउंस करते हुए जो साउंड आता है सेम उसका भी वही हो वर्ड का, तो हम एन यूज करते हैं। अभी वो देखेंगे कि वो ऐसे कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स में भी मिलेंगे। तो हम इनके साथ जब भी करेंगे एन यूज करेंगे, अदरवाइज सबके साथ हम ए यूज करेंगे। ठीक है, ये सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, अब ही इज एन आर्किटेक्ट, शी इज अ साइंटिस्ट, माई ग्रैंड मदर वॉज अ टीचर। तो अभी ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हमने वोवल देखा है जो ए ए यहाँ मेंशन है, तो एन आएगा। ठीक है, ये सिंपल सा एक छोटा सा टिप है इसको याद करने का, तो ये सबको माइंड में रखना है इसको एन के लिए। अब यहाँ पे सिंगुलर नाउन्स हैं, प्लूरल हैं, और ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, ऐसे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, पहली बार बात करें, तो उनके साथ क्या आएगा। अब सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकें, ऐसे नाउन जैसे अब हम जैसे वाटर की बात करें, वाटर एक अनकाउंटेबल है, जब तक उसको किसी आप मीडियम में ना डाल दें, ग्लास में या कप में या फिर जग में, ठीक है, किसी भी चीज में जब तक उसको नहीं डालेंगे हम उसको मेयर नहीं कर पाएंगे, तो वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनकाउंटेबल है, तो ऐसी चीज जिसको हम काउंट कर सकें वो काउंटेबल होती है, और सिंगुलर वो जो कि सिंगुलर हो जिसमें एस ई एस ना हो, ठीक है, एक से ज्यादा चीज ना हो, सिंगल हो।
तो उनके साथ हमें हमेशा एन आर्टिकल्स यूज करने हैं, चाहे वो एन हो, चाहे ए हो, चाहे दी हो, ठीक है, दिस दैट कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है. अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं, अब हम कहते हैं ना कि किसी चीज को डिफाइन करें आप, तो दैट मीन्स कि वो डिफाइन हुई भी है, हमें उसका आइडिया, हमें पता है उसके बारे में, नॉलेज है. जो जो बिल्कुल डिफाइन नहीं होती उसे इनडेफिनाइट कहते हैं, ठीक है. ये जो बिल्कुल डिफाइन नहीं की गई, हमें उसके बारे में नहीं पता. When we talk about something for the first time or something that are the part of a group or type, तब हम use करते हैं a and an. I saw a good film yesterday. Do you want a drink? अब यहाँ पे हमने इसको a use किया, हमें an use क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमें vowels नहीं दिखे. हमने दी यूज नहीं किया, अभी दी की भी कंडीशन पढ़ेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि दी यहाँ क्यों यूज नहीं हुआ, ठीक है. और जब ए यूज करते हैं तो हमें देखना है कि ऐसे वर्ड्स जो स्टार्ट हो कॉन्सोनेंट साउंड से, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन कौन से होते हैं, यानी जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो एग्जैक्ट वही वर्ड प्रोनाउंस हो, जैसे विद है या बिगन्स है, फॉलोज है, तो वो एफ है, तो जब मैं इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ तो वो एफ का ही साउंड आ रहा है, वो कोई और साउंड नहीं आ रहा, सही है. तो ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड उन्हीं के स्टार्ट में जो लेटर है उसी से ही प्रोनाउंस हो, उसी का ही साउंड हो, तब हम ए यूज करेंगे. अदरवाइज वो अगर इसका अपना साउंड नहीं होगा तो वो वॉवल्स में से किसी का होगा, ए ई आई ओ यू में से, ठीक है. और इस कंडीशन में फिर हम उसके साथ एन लगा देंगे. वो यूज एन व्हेन इट फॉलोड बाय अ वॉवल साउंड. अब यहाँ पे वॉवल साउंड है, ठीक है, वर्ड नहीं लिखा, क्योंकि साउंड होगा या वर्ड होगा. अगर ऐसे वर्ड्स हैं कि वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, उसका साउंड कोई और प्रोड्यूस हो रहा है वोवल के अलावा, तो उसके साथ भी हम एन यूज नहीं करेंगे. शी हैज अ यूनिवर्सिटी डिग्री. अब हमने एन यूज नहीं किया, क्यों नहीं किया, यहाँ पे तो यू था और यू वोवल में आता है, क्या कोई मुझे बताएगा कि क्यों नहीं किया? मैम साउंड नहीं है इसके अंदर, साउंड वोवल साउंड नहीं है. एग्जैक्टली साउंड नहीं है. और यहाँ पे हमने इसके साथ एन यूज किया है बिकॉज आर की साउंड आ रही है. हाँ बिल्कुल, वोवल साउंड आ रहा है. एग्जैक्टली, तो ये चीज तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है. सही है कि साउंड होगा तो हम एन यूज करेंगे, बस साउंड को माइंड में रखना है, वोवल साउंड चाहे वो कोई भी हो, यहाँ से किसी से भी स्टार्ट हो रहा हो, ये हमारे लिए इजी हो जाएगा याद रखना. अच्छा, वो यूज द डेफिनेट आर्टिकल, वो ऐसा आर्टिकल, ठीक है, दी जो है उसके साथ यूज होता है जब हमें पता हो किसी चीज के बारे में, हमें नॉलेज हो. जैसे अभी अगर कार है उसकी वैरायटीज होती हैं डिफरेंट, ठीक है, अभी कोई एनिमल है, ठीक है, कोई स्पीशी है उसकी टाइप्स होती हैं डिफरेंट, फैमिलीज उनकी डिफरेंट, वो सारी चीजें होती हैं एक दूसरे से, वो डिफरेंट होते हैं, तो कैटेगरीज होती हैं, क्लासिफिकेशन होती हैं, तो हमें पता है उन चीजों का ऑलरेडी, ठीक है. वो ऐसी चीज नहीं है कि कोई एक ही ऐसी चीज हो जिसके बारे में हम ना जानते हो या उसकी मजीद फर्दर क्लासिफिकेशन ना हो, ठीक है, उसको डिवाइड ना किया जा रहा, तो फिर हम बाकी चीजें यूज कर लेते हैं उसके साथ. लेकिन दी तब यूज करेंगे जब हम उसके बारे में जानते हैं. अब यहाँ पे भी है, द लिसनर ऑलरेडी नोज व्हाट व्हिच थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इफ इट वाज मेंशन्ड बिफोर बिकॉज देयर इज ओनली वन ऑफ देम. अच्छा यहाँ पे है, आई एम गोइंग टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक. अब डॉग जो है उसके साथ हमने दी यूज क्यों किया, कोई मुझे बताएगा? हमने आ क्यों नहीं यूज किया? Because वो dog जो है वो basically उसका अपना ही होगा, क्योंकि वो उसको walk के लिए लेकर जा रहा है, उसने specify किया कि the dog, वो उसका personal dog है, like जिससे भी वो बात कर रहा है, जिसको बता रहा है, तो वो उनको already पता है कि उसके पास एक कुत्ता है और वो उसको लेके जा रहा है, the dog, वो उसने specify कर दिया कि he owns something, वो उसकी है exactly. उसको लेके जा रहा है. हाँ, ये unknown नहीं है, ये जो है हम जानते हैं इसको, अगर पढ़ रहे हैं मतलब उसको लेके जा रहे एग्जैक्टली, वो अपने डॉग को लेके जा रहे, किसी और कोई डॉग को तो नहीं लेके जाएगा. जिसको बता रहा है वो ऑलरेडी उस बारे में जानता है, ये उसने पहले उस बारे में बात की हुई है, उसको पता है. हैव यू सीन द कार की. अब कोई कार
आपने देखी है या आपको पता है कि ये कार है, ये फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं आपस में वो बात करें, अगर यहाँ पे माई का एडिशन हो जाए तो यहाँ पे दी हट जाएगा, ठीक है? तो उसमें ये हो रहा है कि एक पर्सन दूसरे को से पूछ रहा है कि आपने वो कार की देखी, तो कार को वो जानता है और उसकी की के बारे में पूछ रहा है, तो इस वजह से हम दी यूज करेंगे, आ यूज नहीं करेगा। बेशक जो कार है वो एक है, ठीक है, वो ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे अब स्कूल एंड ब्रिज का भी हो गया, लेकिन यहाँ पे मेरी अपनी खुद की ये कन्फ्यूजन है कि हमने दी जो है स्कूल के लिए यूज किया और यूनिवर्सिटी के लिए हमने ए यूज किया है, तो ऐसा क्यों है? मैम वो यूनिवर्सिटी वाला जो सेंटेंस था वो हम जनरली एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे थे, और उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि वही जो स्कूल वो जो ब्रिज के नेक्स्ट है, मतलब कि आप जानते हैं ना वो ब्रिज के साथ जो स्कूल है ये वहाँ पढ़ने जाते हैं, दे गो टू द स्कूल नेक्स्ट टू द ब्रिज, जो ब्रिज के साथ है। तो ये स्पेसिफिक है कि ब्रिज वाला स्कूल तो हम जानते हैं, और वो जो यूनिवर्सिटी के ओके, यू बारे में टू, बात कर ठीक रहे थे वो जनरल था। है, इस ब्रिज की वजह से हमारे लिए ये स्कूल नाउन हो गया। यस, सही है, ठीक हो गया। अच्छा, थिंग्स इन जनरल, व्हेन वी टॉक अबाउट द थिंग्स इन जनरल वी नॉर्मली यूज प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन विद नो आर्टिकल। इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं होगा। बर्ड्स ईट वर्म्स, वाटर फ्रीज एट 0 सेल्सियस, चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ स्लीप। तो ऐसे जो कि एक से ज्यादा हो, जैसे बर्ड्स है और वाटर फ्रीजेस चिल्ड्रन। अब चाइल्ड जो है वो सिंगुलर के साथ होता है और प्लूरल के साथ चिल्ड्रन हम करते हैं, चाइल्ड्स कभी भी नहीं कहेंगे, ठीक है? अगर एक से ज्यादा बच्चे हों तो चाइल्ड्स नहीं कहेंगे, या चाइल्ड होगा सिंगुलर के साथ या ज्यादा होंगे तो चिल्ड्रन, ठीक है? तो इनके साथ आर्टिकल्स यूज नहीं हो रहे। अब यहाँ पे पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप है किसी भी चीज का। अगर हम यहाँ पे जू जैसे मेंशन है, अब जू में एनिमल्स ही होते हैं, ठीक है? एनिमल्स, बर्ड, इसी तरह की कैटेगरी होती है चीजों की, ठीक है? तो यहाँ पे अगर बात की जाए कैंगरू की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देयर पार्टिकुलर कैंगरूज इन दैट जू, नॉट कैंगरूज इन जनरल। ये जनरल नहीं है। अगर जू में कैंगरू की बात हो रही है, दैट मीन्स कि वो उसको स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है? इसका मतलब है कि वो जू ऑलरेडी विजिट कर चुका है, उसको पता है जू का। जैसे हमें अभी स्कूल की और ब्रिज की बात की, तो उसको स्पेसिफाई कर दिया उसने जू का बता के, अगर वो कैंगरू की बात करे तो। हमें ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होप सो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो फिर हम टेस्ट की तरफ चलते हैं। यस मैम, ओके, यस मैम, अच्छा, सही है। अच्छा, ये फिर इतना ब्लैंक्स है, इसको करते हैं वन बाय वन। आई लाइक लिसनिंग टू डैश म्यूजिक, इट हेल्प्स मी रिलैक्स। म्यूजिक द म्यूजिक द म्यूजिक द म्यूजिक कॉमनली द पॉपुलर नाम। द म्यूजिक, आई लिसनिंग टू टू म्यूजिक नहीं आएगा। चलें डी के साथ ही कंटिन्यू करते हैं। मनी मनी ही गेव मी वाज नॉट इनफ। मनी एलडी अच्छा, इसको डी भी पढ़ सकते हैं, दा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? ये दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। ही डज नॉट लाइक डैश डॉग्स वन बाइट हिम व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। डॉग के साथ एलडी आएगा, आएगा मैम, आएगा क्योंकि ऑलरेडी उसको पहले वो बाइट कर चुका है, उसको पता है। सिंगुलर है ही नहीं, सिंगुलर है ही नहीं, तो हम आ और एन इसलिए सोच नहीं आएगा मे सकते। बी वो, क्योंकि मैम यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे क्योंकि आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसने कहा कि वो अब नॉर्मली डॉग्स को पसंद नहीं करता, कोई भी स्पेसिफिक वन भी नहीं है। वो कह रहा है कि ही डजेंट लाइक डॉग्स, अब वो डॉग्स को पसंद नहीं करता, कोई भी स्पेसिफिक नहीं है कि कोई कौन सा डॉग, कि बिकॉज बचपन उसको को एक किसी ने मतलब बाइट कर लिया था तो अब उसको डॉग्स नहीं पसंद। तो मैम यहाँ ऑल्सो पे जब सिंगुलर है ही आर्टिकल नहीं तो आ क्यों लगाएं, नहीं, आ नहीं लगाएंगे आ हम, और एन तो इसको आता ही नहीं छोड़ है, आई थिंक सकते द भी हैं। नहीं आना चाहिए। अगर कोई ऑप्शन ना हो तो हम इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, ये भी करेक्ट होता है, मैंने इसको ट्राई किया था एक बार। ही आएगा, यस मैम, यहाँ पे अच्छा, मेरा ये ख्याल चले बन अभी रहा है। फिलहाल मैम के लिए चांस इसको तो खाली हम ले छोड़ते हैं, लेंगे बाद में। तो जब हम इसको देखेंगे ना, इसके आंसर्स क्या हैं, तो फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है?
मैम दा ही आएगा इसमें, ही डजंट लाइक द डॉग्स. चलें देखते हैं. कुड यू प्लीज पास मी देयर सॉल्ट. यहाँ पे भी दा आएगा. आ नहीं आएगा, अनकाउंटेबल है. नहीं नहीं लेकिन आ आएगा. लेकिन आप टेबल पे टीम यू आर इन द रेस्टोरेंट. आ नहीं आएगा, आ नहीं आएगा, दा आएगा. आ नहीं आएगा पीएच नहीं. मैम ये स्पेसिफिक कह सकते हैं ना कि मतलब उधर चिली पाउडर भी हो उधर केचप भी हो. हाँ. तो वो स्पेसिफिक कह रहे हैं कि साल्ट पास करो मुझे. नहीं 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 इसको शायद इस तरह कह सकते हैं लेकिन आ तो ऊपर ये है ना कि वो अच्छा, मैंने... नमक है, नमक का एक दाना दे रहे, नमक का दाना पास करो. अच्छा मैंने एक जगह पे ये देखा था कि उसमें लिखा था राइस के साथ, मतलब राइस से पहले. अब राइस भी अनकाउंटेबल है वैसे, तो उससे पहले भी आ यूज हुआ हुआ था. तो लेकिन वो बाउल की बात हो रही होगी, वो बात हो रही होगी अ बाउल ऑफ राइस और समथिंग लाइक दैट. वो सिर्फ मतलब डिपेंड करता है उसके लिए, लेकिन यहाँ पे था है. यस मैम व्हेन वी से पास मी अ बाउल ऑफ राइस तो वो सिंगुलर पर्टिकुलर काउंटेबल नाउन हो जाएगा. बाउल की देखेंगे आप. But when we are talking about something that is uncountable, we should use the. यहाँ पे n आएगा, n apple. Yes, n आएगा क्योंकि apple है और a से start. I can take dash children to school today. The. I can take. The. This is my uncle Phil. He is dash teacher. अच्छा हमारे जो है ना 7 जो है वो करेक्ट हैं. और अच्छा ये करेक्ट है. आई थिंक ये हमने फिल नहीं किया इसकी वजह से दिखा नहीं रहा. इसको आंसर्स देखते हैं. यस ये ठीक है जो हमने इसको एम्प्टी छोड़ दिया था ना, ये ठीक है. और यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा. आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक. दी नहीं आ रहा है यहाँ पे. दिस इज जीरो बिकॉज़ देयर वाज अ डैश. सो देयर वाज अ प्लान दैट आई वी ट्राई टू फिल इट अप बट आई थिंक सो दा इसके साथ इसलिए नहीं आ रहा कि माइट बी हमने म्यूजिक का कोई नेम नहीं है अभी. हाँ जी म्यूजिक का अगर नेम हो ना कोई तो शायद फिर दा आएगा. फिर नेम या कोई कैटेगरी हो कोई भी म्यूजिक हो सकता है कोई भी सॉन्ग आ गया तो फिर लग जाएगा. या फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं म्यूजिक की आई थिंक. चलिए टेस्ट को देखते हैं ताकि अच्छी तरह से और भी हो जाए हमारी एक भी मिस्टेक ना. डू यू वांट डैश सैंडविच. I have got different in some हमने नहीं पढ़ा है ना अभी. हमें इन्हीं में से यूज करना है या हम इसको empty छोड़ सकते हैं या फिर हम a an और d यूज कर सकते हैं. Do you want a sandwich आएगा लेकिन यहाँ पे blank छोड़ सकते हैं. Do you want sandwich. हाँ आएगा क्योंकि इसमें हम प्लूरल भी तो बोल सकते हैं सैंडविचेस. इसीलिए आ यूज कर सकते हैं. ठीक है हम इसको ही कर लेते हैं. She wants to be dash ambulance driver when she finishes school. An ambulance driver. An आएगा. An आएगा क्योंकि वोवल है और साउंड भी उसके. Did you see the moon last night? I really hate. मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ आएगा. इसको खाली छोड़ देते हैं. Blank. Yes, ma'am. Empty. अच्छा. If you need to contact me over the weekend, please send me an. Any email. Ita. Okay. Send me the email to me. चले an के साथ ही करते हैं continue. I'm a fun living person. I love parties and dancing. I love to and a कुछ भी नहीं आएगा. Yes, I love the specify नहीं किया. नहीं आएगा मुझे लगता है. अब specify नहीं किया.
होती हैं, किटी पार्टीज भी होती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो उसकी टाइप नहीं बताई, तो इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं. आई विल बी देयर इन एन एनआर आवर. द टीचर्स टीचर्स, यस मैम, द टीचर्स. ओके. ये क्या, यहाँ पे एन डी, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे ये स्लैश लगानी थी. वैसे तो हमने एम्प्टी छोड़े, डेट मीन्स कि ठीक है, मिस्टेक तो नहीं है, बट उनको लग रहा है कि मिस्टेक है ना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये छोटी सी एक स्लैश हम ऐड करें, बट हमने कुछ भी नहीं लिखा इधर, तो ठीक है. वैसे हमारे सारे थे. मैम एक दफा क्लियर कीजिएगा, हम एम्प्टी कब छोड़ रहे हैं, इस चीज पर क्लियर कीजिएगा। यहाँ पे एम्प्टी क्यों छोड़ रहे हैं? यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि ऐसे प्लूरल्स प्लूरल्स ऐसे हो, ठीक है, और या ग्रुप ऑफ मतलब उसके साथ हो, क्लासिफाई हो, इस तरह की चीज हो, जैसे मॉस्किटोज की भी मैं टाइप्स एक्सप्लेन होती है. करूं थोड़ा सा इसे, मैं जी एक्सप्लेन जी करूँ थोड़ा सा इसे। हाँ जी हाँ जी बेसिकली हम ये आर्टिकल्स तब यूज़ नहीं करते हैं जब जैसे आपने देखा अभी मॉस्किटोज, या हमने पीछे पढ़ा डॉग्स, तो बेसिकली ये एक एक तो हमने पूरी क्लास की बात की है डॉग्स की, अब उसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा पहली बात तो ये है कि एन और ए जस्ट काउंटेबल के साथ आता है जिनको हम काउंट कर सकें। अब अगर हम डॉग्स की स्पीशीज की बात करें तो वो बहुत वैरायटी और बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक अनकाउंटेबल में आ जाते हैं। इसी तरह से मॉस्किटोज भी अब हम यहाँ बात करें अनकाउंटेबल, तो ए और एन तो पहले ही हमारा जो है वो हम उसको रिमूव कर देते हैं। फिर अब हम फिर देखते हैं कि इसमें दा अगर पॉसिबल हो, लेकिन अब यहाँ पे मॉस्किटोज या जैसे हमें पीछे पड़ा डॉग्स, तो उन्होंने आगे जब हम कंप्लीट सेंटेंस को अंडरस्टैंड करते हैं तो वो स्पेसिफाई नहीं किया होता, तो हम दा भी नहीं करते। देखिए ये प्लूरल में है तो इसमें ए और एन का तो चांस ही नहीं है, फिर हम दा को स्किप क्यों कब करेंगे जब हम पूरा सेंटेंस को अंडरस्टैंड करेंगे और हमें फील होगा कि जिस चीज़ की भी बात हो रही है उन्होंने इसको, ना तो हम इस चीज़ को जानते हैं पहले और ना ही मतलब कि ये स्पेसिफाई है इस सेंटेंस में कि हम कौन से मॉस्किटोज की बात कर रहे हैं या हम किसी स्पेसिफिक एक मॉस्किटो की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक एक डॉग की बात कर रहे हैं, उसकी हम बात नहीं करें। हम एक जनरल व्यू ले रहे हैं, जैसे हम कहते हैं बर्ड्स, जैसे हम लेते हैं वाटर, जनरल बात कर रहे हैं वाटर की, तो यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, दा नहीं करेंगे। और प्लूरल में है तो वो ऑलरेडी ए और एन तो हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो वो तो ऑलरेडी स्किप हो गए थे, तो दा भी स्किप हो गया है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द एक्सप्लेनेशन. ठीक है, अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग इसके साथ अच्छी खासी हो गई है कि हमें कब कब क्या क्या यूज करना है. सही है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के साथ. ठीक है, जो कंपैरिजन में यूज होते हैं, जैसे हम बात करते हैं एक चीज की दूसरी चीज से, कि एक चीज दूसरे से बेहतर है, ठीक है, या एक चीज दूसरे से ज्यादा है या कम है, तो उस केस में हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो फिर हम ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं. हमें फिर देखना है कि हम किस तरह के कंपैरिजन में किस तरह के वर्ड्स को यूज करने वाले हैं. ठीक है, अच्छा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं. द सिटी इज मोर इंटरेस्टिंग देन द कंट्री साइड, दिस हाउस इज ओल्डर देन माई हाउस. ठीक है, शी इज बेटर एट कुकिंग नाउ देन बिफोर. ठीक है, अच्छा, तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि अच्छे से और भी हमें क्लियर हो जाए. यहाँ पे जैसे ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जब हमने कंपैरिजन करना है दो चीजों का, या फिर चेंज बताना है एक चीज का दूसरी चीज से, क्या डिफरेंस है, क्या चेंज है, तो फिर हम इसको यूज करते हैं. अब वन सिलेबल और टू सिलेबल में क्या फर्क है? ऐसे वर्ड्स जिनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सके, इसको हाफ ऑफ प्रोनाउंस कर सके. अब जैसे ओल्ड है, क्लीन है, स्लो है, अब इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सके, कर सकते, ठीक है. लेकिन ऐसे होते हैं टू सिलेबल्स जिनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे क्या हो सकते हैं, बिगर, हॉटर. नहीं, इसको नहीं कर सकते. नेक्स्ट देखते हैं. हाँ, यस, स्ट्रेस या क्राउड या हैप्पी,
एच ए पी एंड उसके बाद हम इसको एक पार्ट इसका बना सकते हैं, एक पी वाई का बना सकते हैं, तो हैप्पी इजी नॉइसी, ठीक है, ये हो सकता है टू सिलेबल्स. और ऐसे जिनको आप एक ही दफा में पढ़ सकते हो, जिसको आप नहीं डिवाइड कर सकते, वो वन सिलेबल होते हैं, ठीक है. अब इसके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, इसको मजीद इसकी इनहेंसमेंट करने के लिए, इसमें मजीद इजाफा करने के लिए हम ई आर यूज करेंगे, ठीक है, जो वन सिलेबल होंगे उनके साथ हमेशा ई का या आर का ऐड होगा या ई आर इकट्ठा ऐड हो सकता है. अब इफ एन एडजेक्टिव्स एंड्स इन ई, जो ई के साथ एंड हो रहे हैं उसके साथ आप आर यूज करेंगे, और जो ई के साथ एंड नहीं हो रहे उसके साथ आप ई आर यूज करेंगे. जैसे ओल्ड है तो ओल्डर, ठीक है, मैं इसको ओल्डर में ई आर यूज करूंगी, ना कि सिर्फ आर. अब ऑलरेडी नाइस एंड सेफ के बाद ई है तो मैं जस्ट आर एड कर दूंगी. अच्छा, यहाँ पे लिखा है एन एडजेक्टिव्स एंड विद एंड इन द वोवल एंड द कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, बिग एंड हॉट. अब जब आप इसको एंड करते हैं ना तो थोड़ा सा वोवल साउंड आता है, बिग हॉट, तो उस साउंड की वजह से वो यूजली डबल द कॉन्सोनेंट. ये जो लास्ट वाला होगा इसको डबल कर देंगे, चाहे लास्ट पे कुछ भी हो, ठीक है, इसको हम डबल प्रोनाउंस करेंगे, सॉरी डबल मेंशन करेंगे, बिगर हॉटर. अच्छा, ये चीज ना मुझे क्लियर थोड़ी थोड़ी सी हुई है यहाँ पे, कि इतना ज्यादा वोवल साउंड तो नहीं आ रहा, बिग एंड हॉट. वोवल साउंड की बात नहीं है, एक्चुअली एंड जो होगा एक वोवल का वर्ड होगा और एक कॉन्सोनेंट होगा, जैसे आई और जी एक वोवल है और एक कॉन्सोनेंट है, निचले में हॉट में ओ और टी एक वोवल है और एक कॉन्सोनेंट. ठीक है दोनों की बात हो रही है, सही हो गया, सही है, ठीक है. एडजेक्टिव्स विद टू और मोर सिलेबल्स, ऐसे जिनके वन से ज्यादा सिलेबल्स हों, जिनको हम डिवाइड कर सकें. आगे ये बताने भी वाले हैं शायद कि उन सिलेबल्स को कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, ऐसे इतना जरूरी नहीं है कि उनको कैसे डिवाइड करना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये टू सिलेबल है वन. तो हम क्या करेंगे, जो वाई होगा उसको आई के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, जहां पे भी हमें आई दिखेगा, और उसको आई को रिप्लेस करने के बाद हम ऐड कर देंगे ईआर, जैसे नॉइसी है तो नॉइसियर, हैप्पी है तो हैप्पियर, इजी है तो इजियर, मतलब इंक्रीमेंट कर दिया ना उस चीज में, बहुत एडिशन हो गई है, एक इजी है तो एक बहुत ही इजी, तो वेरी इजी यूज करने के बजाय या वेरी हैप्पी या वेरी नॉइसी, वेरी वेरी या मोस्ट को हटा के आप उसमें आई ई आर का इजाफा कर देंगे. ठीक है, जैसे अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मोर भी यूज होता है, कोई कुछ कह रहा है? यस मैम, ये जो ऊपर वाले में आप कह रही थी ना कि वोवेल की साउंड नहीं आ रही है, तो ऊपर वाले में एक्चुअली बिग और हॉट में जो चीज है वो ये कह रहे हैं, कैन यू प्लीज स्क्रॉल इट अप. जी जी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों को देख रहा है, इन दोनों को लास्ट के, इस वाई और ओ की वजह से हम जी को डबल कर रहे हैं और टी को. जी जी, ओके, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे मोर क्यों लगेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर टू मेक कंपैरेटिव फॉर्म फॉर द मोस्ट अदर टू सिलेबल एडजेक्टिव फॉर ऑल एडजेक्टिव विद थ्री और मोर सिलेबल्स. अच्छा, इसमें एंड जी, It's okay, ma'am, you continue. Okay. अच्छा, यहाँ पे हमने मोर यूज किया है, अब इसको हम क्राउडियर नहीं कह सकते, ठीक है, तो अब क्राउडेड है तो क्राउडियस्ट भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसके इसके एडिशन होगा मोर का. अब स्ट्रेसफुल है, यहाँ पे अब फुल को आप स्ट्रेसफुलियर नहीं कहेंगे कभी भी, स्ट्रेस फुली तो चले हो सकता है, लेकिन इसमें इसका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, इसको मोर कंपैरेटिव नहीं बना रहा ये, ठीक है. ऐसे जो टू सिलेबल्स हुए टू से ज्यादा है, जैसे स्ट्रेसफुल, स्ट्रेसफुल थ्री सिलेबल्स हैं इसमें, डेंजरस मतलब इसको जैसे हम कहते हैं ना उर्दू में, हमने जोड़ तोड़ पढ़ा है, किसी को भी वर्ड को आप डिवाइड कर ले तो आपको समझ आ जाता है, स्पेलिंग याद करते थे हम बचपन में, ठीक है, छोटे छोटे उसको पार्ट्स में डिवाइड करके हम याद कर लेते थे, तो वही सिस्टम है, उसको सिलेबल्स कहते हैं, उन जोड़ तोड़ करने कि उनको सिलेबल्स में डिवाइड करो, याद करो, तो डेन
च रस, ये तीन हो गए, इस वजह से इसमें मोर लगेगा, डेंजरसिस नहीं हो सकता, डेंजरस कुछ भी इस तरह से कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि इसके साथ क्या लगना है, मोर लगाएंगे, मोस्ट लगाएंगे, वेरी लगाएंगे। अच्छा, एक्सपेक्टेशन यू कैन आइदर एड आर या ई आर, या फिर मोर भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसे कुछ ऐसे सिलेबल्स एडजेक्टिव्स हैं जैसे ये इन्होंने मेंशन कर दिए हैं जिसमें मैम ये इसमें आई और वाई पे एंड नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसके साथ ई आर या आई ई आर नहीं लगा सकते। यस, मैंने इधर स्टार्ट में मेंशन कर दिया था कि यहाँ पे वाई नहीं है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जो आई से रिप्लेस होने के बाद ई आर एड हो जाए। तो बस ये चीजें माइंड में आपको रखनी है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ आप यूज कर सकते हैं जो टू सिलेबल्स हैं, उनके साथ मोर लग सकता है, ठीक है। और समटाइम ऐसा होता है कि उनके साथ मोर नहीं लगता, ई आर का एडिशन हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे सिंपलर है, मोर सिंपल, ठीक है। अब इट डिपेंड्स कि वो सेंटेंस किस तरह का है, वो बात किस तरीके की जा रही है, ठीक है। अब जेंटल, हैंडसम, लाइकली, ये आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से, वेबसाइट की एक्सेस तो होगी सबको कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, तो इनको माइंड में अगर हम रख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। आई थिंक लाइफ इन द कंट्री साइड इज सिंपलर देन इन द सिटी, इट्स मोर सिंपल टू लिव इन द सिटी बिकॉज एवरीथिंग यू नीड इट इज देयर। अच्छा, यहाँ पे ना इसने रीजन नहीं बताई, मुझे जहां तक लग रहा है कि इसने यहाँ पे रीजन एक्सप्लेन किया बिकॉज एवरीथिंग यू नीड इज देयर, कि जो कंट्री सिटी में है, सॉरी, लाइफ आपकी वो ज्यादा अच्छी है ना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिल रहा होता है आपको। और यहाँ पे इसने जस्ट एक डाउट है इसको, आई थिंक ही इज नॉट श्योर, ठीक है, वो श्योरिटी से नहीं कह रहा, उसका ख्याल है ऐसा कि लाइफ जो है कंट्री साइड ज्यादा अच्छी है, सिंपलर है, ठीक है, सिटी से कंपेयर करता है यहाँ। अब वो सिंपलर पता क्या कह रहा है, सिंपलर मतलब बहुत ज्यादा, जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी ना हो, कोई, ठीक है, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे सारी फैसिलिटी जो सिटी में वैसी नहीं है, कंट्री साइड की बात हो रही है, तो वो सिंपलर उस सेंस में कह रहा है। यहाँ पे सिंपलर वो है जो लाइफ को आसान बनाने के लिए सिंपल चीजें हैं, जैसे मशीन्स हो गई, हमारे पास टेक्नोलॉजीज है, मोबाइल्स है, इंटरनेट है, सब कुछ है, तो वो सिंपल इस वे में सिंपल, और ये सादगी वाला सिंपल, ठीक है। ये डिफरेंस यहाँ से हम इसको निकाल पा रहे हैं कि हम क्यों सिंपलर और मोर सिंपल का यूज। मैम आई थिंक सो अगर हम सिंपलर यूज कर रहे हैं ना, तो उसके बाद मतलब ई आर वाले वर्ड यूज करेंगे, तो उसके बाद कंफर्म है कि देन लाजमी लगाना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कंपैरिजन ये कर रहा होगा, देन लाजमी लगेगा। बट अगर आप मोर वाले वर्ड लगाएंगे ना, तो देन देन नहीं लगेगा। तो इट मीन्स के अगर आपके सेंटेंस में देन यूज हो रहा है, इन दैट केस आप ई आर वाला एडजेक्टिव लगाएंगे, दूसरा नहीं लगाएंगे, मोर वगैरह का नहीं लगाएंगे उधर, आई थिंक सो। लेकिन हम बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं जिसमें मोर देन भी लगता है एक साथ। यस मैम, एक्चुअली अगर हम यहाँ पे अगर हम वो एक्सेप्शन वाला सेंटेंस अगर हम देखें, तो वो कहता है कि यू कैन आइदर एड ER or use, like you can either, इसमें उसने कहा है कि कुछ भी necessary नहीं है, you can either add, आप ER add करो या more use करो, एक आप इसको इतना ज़्यादा differentiate करने की इतना ज़रूरत नहीं है, you can, मतलब उसने हमें एक exception दे दिए कि आप इसके साथ कुछ भी, हाँ, it depends ना कि sentence किस तरह का है, तो फिर हम उसके according use कर सकते, सही सही, suitable, हाँ, सही कह रही हैं आप। हमें जिस तरह से वो सेंटेंस पढ़ के लग रहा है ना कि यहाँ पे मोर का एडिशन होना चाहिए, या फिर देन के साथ हम ईआर का एडिशन करते हैं उसके साथ। अच्छा, इरेगुलर एडजेक्टिव्स जैसे गुड, बैड, फॉर है, वो इरेगुलर कंपैरेटिव फॉर्म। अब जैसे कोई चीज अपडेट होती है ना, तो हम समटाइम्स क्या करते हैं कि हम गुड के बजाय, वहां पे मीनिंग सेम होता है दोनों का, लेकिन हम ये वर्ड यूज करते हैं, बेटर, बैड, वर्स, फार, फर्दर या फार्दर, ठीक है। तो ये है अपडेटेड इनके वर्ड्स, कि समटाइम ऐसा होता है कि हम वहां गुड नहीं यूज कर सकते, हम बेटर यूज करते हैं, दोनों का मतलब अच्छा ही है, इनका मतलब ये सेम है, तो सबका मतलब सेम है,
बट ये इरेगुलर एडजेक्टिव्स हैं, देखेंगे कि हम जब टेस्ट दे रहे होंगे तो वहां पता चल जाएगा कि हम इनको कहाँ कहाँ यूज करना। यहाँ पे देन की बात हो रही है, व्हेन वी वांट टू से व्हिच पर्सन आर थिंग वी आर कंपेयरिंग विद वी कैन यूज देन देयर हाउस इज क्लीनर देन अदर्स। जब वो कह रहे हैं कि आप किसी चीज का कंपेयर करें किसी चीज से या पर्सन का पर्सन से, तो आप देन यूज करेंगे। The traffic is slower in the city than in the countryside. After the race, I was more tired than any. अब देखिए more and tired दोनों आया यहाँ पे, ठीक है। तो वो हमारी जो थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हो रही थी ना, वो यहाँ पे क्लियर हो गई है कि more tired than। अब tired का मेरे ख्याल से ER नहीं लग सकता इस पे क्योंकि Y नहीं है, और यहाँ पे हमने जो ER लगाया था वो सिंपल था तो आर ऐड कर दिया, ठीक है। और वाई जब होगा तो आई आर ऐड करेंगे। इधर ये टायर्ड है ऑलरेडी, ये कंप्लीट है तो इसके साथ मोर लगा दिया और देन, सही है मैम। ये हमने वैसे जनरली हमने हम सब लोगों ने ऑलमोस्ट ये लिस्ट पढ़ी हुई होती है 9th-10th तक के, ये हमारी वो बेसिकली ये डिग्रीज हैं, डिग्री ऑफ ये कंपैरेटिव डिग्री होती है और फिर एक होती है सुपरलेटिव, जैसे हम कहते हैं फॉर्थेस्ट हो गया वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, ये कंपैरेटिव डिग्रीज। ये हमने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हमने पढ़े थे जैसे पहले जी जी, बेसिकली वो ये सब नहीं पढ़ा हुआ सब कुछ तो हमें वो, यस मैम, वो अगर हम हाँ, भी निकाल दो हमें एक लिस्ट मिल जाती है और हम उसको एक बार रीड करें बस वो याद हो जाती है चीजें। फिर हाँ बहुत सारी चीजें ना हमारे माइंड से स्लिप हो जाती है तो उसको मेमोराइज करना मुश्किल होता है या फिर भूल जाता है, तो उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। अगर आप आइलेट्स के लिए प्रिपेयर करें तो आप इंटरनेट से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप एक बार में उसको लिस्ट होती हैं, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होती हैं काफी चीजें, तो आप उसको देख के वहां से रिवीजन कर सकते हैं। इसको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक दो बार पढ़ें प्रैक्टिस करें डेट्स इनफ, ठीक है। ज्यादा टाइम इसको नहीं देना आपने, आप लोगों ने बस फोकस करना है अपने मॉड्यूल्स पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने भी अभी फर्स्ट टाइम इसकी रिवीजन करी हूँ आप लोगों के साथ ही, ठीक है, तो इससे मेरी भी लर्निंग हो रही है। अच्छा इसको कहते हैं देयर कार इज नाइसर, अब यहाँ पे देन दैट आर्स। आई लाइक टू गो टू वर्क अर्ली बिकॉज द बस इज डैश आफ्टर ए मोर क्राउडेड। अब ये देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि क्राउडर मतलब इसको पढ़ा भी नहीं जा रहा है, ये सही से सुटेबल ही नहीं है, तो मोर क्राउडेड। Flying is dash than driving. More safer या safer? Safer. More है तो उसके साथ वो safer भी कर रहा है, तो इसको extraordinary इसने comparative बना दिया। More safe होता तब भी थोड़ा सा understandable होता। He is dash at football than me. Better. अभी यहाँ पे पता चल गया कि हमें good या gooder तो कभी भी नहीं होगा, तो better ठीक है। We are going to move to the city when our children are bigger. More big to nahi. She thinks her job is dash because she works with difficult people. More stressful. Yes, to koi nahi hota word. Achha. This town is dash than my hometown. There is a lot of friction. Neither. ठीक है, मोर नॉइसी होता ना तब भी सही लगता है इसके साथ, तो सही है। हर मार्क इन द एग्जाम वाज डैश देन मी वर्स, यस बेटर वर्ड नहीं होता, आई थिंक ये सारे क्लियर है, यस सही है। तो मूव करते हैं सेकंड टेस्ट पे। अच्छा एक तरीका हो सकता है कि हम टेस्ट वन क्लास में कर लें और टेस्ट टू आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लें, क्योंकि फिर हमें बाकी की चीजें भी कवर करनी है तो वो क्विकली नहीं हो पाएंगी, ठीक है। ये सजेशन है मेरा, ऐसे कर सकते हैं हम, ये सब यही करना है। मैम यहाँ भी कर सकते हैं हम, मैंने दोबारा से आपके बाद एक बार फिर मैंने वो कल प्रैक्टिस किया थोड़ा सा, मैं दोबारा से एक मिस्टेक करती तो हम इसको हम दोबारा भी रिपीट करके खुद भी करते हैं तो समटाइम्स हम भी मिस्टेक कर जाते हैं, आप करवा रही हैं ये भी अच्छा है, चलें कर ही लेते हैं कोई मसला नहीं। अच्छा यहाँ एरियल मूव टू द कंट्रीसाइड बिकॉज ही वांटेड डैश लाइफ मोर पीसफुल।
Yes, more peaceful. She's dash in the city because she has a lot of friends there. Happier, yeah, more happy. She's more happy. More happy. More happy. So yeah. क्या explain किया था? हाँ यहाँ पे है comparison ठीक okay सही है. Actually then नहीं लगा अभी. अगर then होगा ना then happier last में लग रहा होगा. More happy नहीं भी लगेगा. अब होता ना happier then होता तो फिर सही था. I feel dash if I go for a walk in the forest with my dog. More relaxed. मैम आपने बताया था ना कि जब मूड आएगा तो उसके साथ एक्सप्लेनेशन आएगी. यस उसको वो बता रहा होगा ना, स्पेसिफिक कर रहा है कि अगर वो चीज हो रही है तो उसको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन भी करे. मतलब हवा हवा में बात ना. इट्स डैश इन द माउंटेन्स दैट नहीं देन है सॉरी देन एट द सी साइड कोल्डर. It's more cold. It's colder. Colder. Colder आएगा मैम. ठीक है यहाँ पे. Colder. He says that famous people are dash than his family, but I think he's wrong. More interesting. More interesting. The vegetables from my garden are dash than ones in the supermarket. Tastier. The noise from the traffic is dash if you live near busy road. Worse. Thank you for cleaning the kitchen. It's much cleaner now. Cleaner now. अच्छा यहाँ पे इसने हैप्पियर को कंसीडर किया, मोर हैप्पी को नहीं किया. शी इज हैप्पियर मैम बिकॉज़ हम देन नहीं आना था फिर वाई को हटा के आई यार लगा चुके थे ऑलरेडी. हैप्पी जो है वो उसकी फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल है ना, तो ये एक्सेप्शन वाला केस भी नहीं है तो इसलिए हैप्पियर आएगा. वाई हटा नहीं यार से हमारे पास ऑप्शन नहीं है मोर हैप्पी का, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है. वो जो एक्सेप्शन है ना कि हम किसी के साथ मोर लगा सकते हैं या कैसे, वो स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ है. हैप्पी के लिए हमें ऑलरेडी उन्होंने एक स्पेसिफिक फॉर्म दी हुई है जैसे मेंशन है इधर, तो ये सूटेबल नहीं है. मतलब वर्ड ही गलत है. इट मींस हैप्पी का हैप्पी की जो सी है वो डिग्रीज हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट होगा. हां हैप्पी मोर हैप्पी मोस्ट हैप्पी नहीं होगा ऐसे है ना. वाई लास्ट में आएगा, वाई को हम हटाएंगे वहां पे आई लगाए, आई के साथ ई आर ऐड करेंगे वहां पे ऊपर जो हमने पढ़े ये वही केस है. हाँ बट अगर हम इसको देख रहे हैं ना तो यहाँ पे अगर इसका मीनिंग तो ठीक बन रहा है. शी इज मोर हैप्पी इन द सिटी. ठीक है अगर सही है हैप्पियर है means के happy का happier convert हो सकता है. लेकिन अगर कोई ऐसा word है जिसका हम I E R या E R या सिर्फ R के साथ addition नहीं कर सकते हैं तो फिर हम more लगा देते हैं. ठीक है वो जो ऊपर exception दी थी ना उसमें happy नहीं है इसलिए शायद हम use नहीं कर सकते. Yes. अच्छा हमारे पास थोड़ा सा time है तो हम कोई please को देख लेते हैं countable and uncountable को. अच्छा ये तो हमें आइडिया कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मैम हमने ना ठीक से क्वेश्चन कुछ मैम एक चीज ऐड करना चाहूंगी. हम ना जनरली जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना तो हम कहते हैं इट्स वेरी हॉट हियर, इट्स मोर हॉट हियर. हम इस तरह से या मोर करके भी हम सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं. जैसे हम हॉट के साथ वैसे हॉटर ही आता है. तो मैम एक्चुअली हम जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं इंग्लिश की नॉर्मल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारी लैंग्वेजेस दो तरह की होती हैं. एक हम फॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं और एक लाइक इनफॉर्मल होती है, नॉन फॉर्मल होती है. तो बेसिकली हम जो ये वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे शी इज़ मोर हैप्पी हियर ये इस तरह का, तो ये हमारी नॉन फॉर्मल इंग्लिश होती है. वो अंडरस्टैंडिंग भी सही है, सेंटेंस भी सही है, लेकिन वो हमारा फॉर्मल नहीं है. और भी हम जो आइल्स के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ब्रिटिश है और वो एग्जैक्ट आपकी फॉर्मल लैंग्वेज एग्जैक्टली. तो हाँ हमारी जो इंग्लिश होती है ना वो थोड़ी मदर लैंग्वेज में मिक्स हो जाती है, तो हम वो उसी मिसकंसेप्शन के साथ ही उसको समझ रहे होते हैं कि ठीक है हम बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं और उसका मीनिंग भी एक लिहाज से ठीक होता है. बट एक्चुअली हम अमेरिकन और ब्रिटिश मिक्स कर देते हैं ना इसलिए.
हाँ बेसिकली ऐसे ही होता है. ये अमेरिकन का भी नहीं है, अमेरिकन इंग्लिश भी नहीं, उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. इनफॉर्मल और स्लैंग मैम, ये इनफॉर्मल और स्लैंग लैंग्वेज में आता है बेसिकली. हम जो नॉर्मल कॉमन यूज करते हैं सेंटेंसेस, हम इसमें ये केयर नहीं करते कि हमें इसमें कौन सी टर्म्स यूज करनी है या कौन सी वैल्यू डिग्रीज यूज करनी होती है. तो ये बेसिकली स्लैंग और इनफॉर्मल लैंग्वेज के उसमें आता है. तो बेसिकली हम जब हम आईएलटीएस के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हमें तो वो एग्जैक्ट फॉर्म्स चाहिए. जैसे इन्होंने एग्जैक्ट वो कहते हैं कि हैप्पियर ही यूज करें, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि बी हैप्पियर. जैसे कि तभी हम ब्रिटिश और अमेरिकन है उसमें ज्यादा डिफरेंस मतलब होता भी है तो स्पेलिंग्स का होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर तो उसमें चेंज नहीं होता है. मैम जैसे हम कभी बोलते हैं ना आई वांट अ गो या आई गॉट अ गो, तो हम वो ब्रिटिश लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते, अमेरिकन में हम बोल सकते हैं. प्रोनंसिएशन बहुत छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं, पर ब्रिटिश में हम नहीं यूज कर सकते. उसमें जैसे इन्होंने कहा कि फॉर्मल लैंग्वेज होती है, तो उसमें हम शॉर्ट फॉर्म्स नहीं बोल सकते, अपनी मर्जी जैसे यूज नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते वर्ड वाइज की प्रोनंसिएशन को. स्लैंग होते हैं ना, स्लैंग और आई वांना डू दैट मैम, ये भी इवन कि अमेरिकन में भी ये स्लैंग में आता है. हम अक्सर ये चीजें मूवीज में देखते हैं, आप कभी उनको फॉर्मल देखें तो अमेरिकन फॉर्मल लैंग्वेजेस में उनका लेटर्स चेक करें वो गोना और गोटा और ये वाना ये यूज नहीं करेंगे. अमेरिकन में भी ये क्या है, ये स्लैंग लैंग्वेज है, ये इनफॉर्मल वे है उनका, फॉर्मल में वो भी यूज नहीं करते हैं. फॉर्मल में और ब्रिटिश में हमारा डिफरेंस मेनली यहीं पे आता है कि हमारी प्रोनंसिएशन का फर्क आता है, स्पेल करने लाइक हम पढ़ते हैं जब, और उनका स्पेलिंग में बहुत फर्क है. जैसे हम पढ़ते हैं सेंटर CENTER सेंटर ब्रिटिश में, जबकि वहाँ पे CENTER ही है. इस तरह से कलर में COLOUR ब्रिटिश में पढ़ते हैं, वहाँ पे COLOR होता है. तो इस तरह का स्पेल का और उनका प्रोनंसिएशन का जो मेन डिफरेंस है वो ये है. यस यू आर राइट, सही है. तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, जितना हम कवर इसको कर सकते हैं हम इसको कर लेते हैं. काउंटेबल और अनकाउंटेबल का, आई एम मेकिंग अ कप ऑफ टी, देयर्स सम मनी ऑन द टेबल, हैव वी गॉट एनी ब्रेड, हाउ मेनी चेयर्स डू वी नीड, हाउ मच मिल्क हैव यू गॉट. अच्छा, वो कहते हैं कि नाउन्स जो के काउंटेबल भी हो सकते हैं अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, बट ऐसे जो काउंटेबल होते हैं वो काउंट किए जा सकते हैं. जैसे एक एप्पल है, टू एप्पल्स हैं, थ्री एप्पल्स हैं, और ये चीजें काउंट नहीं की जा सकती जैसे एयर है, राइस है, वाटर है. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि काउंटेबल के साथ हमें क्या यूज करना है और अनकाउंटेबल के साथ क्या करना है. फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, ये इसकी एक टिप है याद रखने के लिए, फॉर पॉजिटिव सेंटेंस वी कैन यूज ए एंड एन फॉर सिंगुलर नाउन, और कुछ ऐसे हैं जो प्लूरल भी हो सकते हैं. ठीक है, देयर इज अ मैन एट द डोर, आई हैव सम फ्रेंड्स इन न्यूयॉर्क, आई हैव दी फ्रेंड्स नहीं आएगा वहां पे, सम फ्रेंड्स मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं. अस्सलाम वालेकुम मैम, बाकी हम अगर कल डिस्कस कर लें, एक्चुअली टाइम हमारा आप हो चुका है. ओके नो वरीज, ठीक है. ये थोड़े से ही हैं, तो हम इसको इंशाल्लाह होप्स हो कि हम इसको कल जो है वो एंड कर दें. ठीक है, ग्रामर हमारी कल तक हो जाए और फिर हम अपने जो मॉड्यूल है उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह. मैम कैन यू प्लीज शेयर दैट लिंक ऑफ दैट बुक इन स्लैक. अच्छा, ये लिंक मैंने शेयर कर दिया स्लैक पे, तो आप वहां से एक्सेस कर लीजिएगा. ठीक है, 7 PM चैनल में ही मेरा ख्याल है मैंने शेयर किया. यस, उसी में. ओके, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. You know, this.